हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडिड सीएल सपोजिटरी के बारे में, जो कि इसका इस्तेमाल महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसे काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कैंडिड सीएल सपोजिटरी के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, कौन कौन से पर्पज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, किसे नहीं लेना है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कैंडिड सीएल सपोजिटरी के बारे में, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से ग्लेनमार्क कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन 3 पैकिंग की सपोजिटरी होती है। 130 रुपये का इसका प्राइस होता है, प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। हमने बहुत ही बेसिक डिटेल के बारे में जाना कैंडिड सीएल के बारे में। अब बात करते हैं कैंडिड सीएल में क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो जाते हैं, पहला जो कि क्लिंडामाइसिन 100 mg और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है क्लोट्रिमाजोल 200 mg। इन दोनों ही कॉम्बिनेशनों का क्या वर्क है, कौन कौन से पर्पज़ों में यूज़ किया जाता है। तो क्लोट्रिमाजोल जो कि एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिंथेटिक एंटीफंगल को इन्फेक्शन को ख़त्म करने की यह मेडिसिन है। इसके अलावा जो अगला कॉम्बिनेशन है क्लिंडामाइसिन, जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि एनाएरोबिक इन्फेक्शन को ख़त्म करने में क्लोट्रिमाजोल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लिंडामाइसिन जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक ग्रुप से बिलोंग करने वाला यह मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल वेजिनाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इचिंग होने की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होता है, तो उन सभी पर्पज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेशाब के दौरान सफ़ेद पानी आने की शिकायत होती है, तो उन सभी पर्पज़ों में भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्मेल आने की शिकायत होती है, बदबू आता है, इरिटेशन होती है, ईस्ट इन्फेक्शन होता है या एलर्जिक रिएक्शन होता है या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो उन सभी पर्पज़ों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसकी क्या डोज होती है, तो डोज इसका नॉर्मली दिन में एक ही बार लिया जाता है, रात को सोते वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेडिसिन खाने की यह मेडिसिन नहीं है, यह एक तरह की सपोजिटरी है, जो इसका इस्तेमाल वेजाइना के थ्रू इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह इसका डोज होता है, यह एक तरह का शेड्यूल ड्रग्स है, जो कि डॉक्टर की देखरेख और डॉक्टर की सलाह के बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके क्या साइड इफेक्ट है, अगर आपको सूट नहीं करता तो नॉर्मल स्टेज पे वॉमिटिंग, सर में दर्द, बहुत ज़्यादा नींद आना, कब्ज की शिकायत होना, इस तरीके का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। किसे नहीं लेना है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, या आपको किसी भी तरह की क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में आपको कोई मेडिसिन कोर्स चल रहा है, तो उन सभी में डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप इसे इस्तेमाल करें। तो यही था कैंडिड सीएल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।